देखो सारे में ही पड़ा हुआ है ये, पार्किंग भी काफ़ी लंबी चौड़ी है शताब्दी नगर RRTS के स्टेशन पर। देखो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो ये लगाए जा रहे हैं, देखो सारे में ही वहाँ तक जाएगा भाई साहब। ये काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेशन है और जो इसका कौन-कौन लेवल है, अभी डेंट पेंट का काम किया जा रहा है और इस पर स्टेयर और सीढ़ियाँ दोस्तों जो मार्बल लगाने का काम है वो कंप्लीट कर लिया जा चुका है। बट देखो दोस्तों यहाँ पर ये रिठानी के स्टेशन पे ये फाउंडेशन बन गया, ठीक है। पिलर की सरियाओं का जाल ये खड़ा कर दिया ऊपर की साइड में, ठीक है। यहाँ पर बनाया जाएगा ये एंट्री एग्जिट पॉइंट लंबा लंबा सा। और देखो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म लेवल पे दोस्तों स्टील का स्ट्रक्चर लगाने का काम था वो कम्प्लीट हो चुका है। देखो आप सभी देखो इधर ये लगाया जा रहा है और क्रेन मशीन भी आप देख लो कि कितनी भारी भरकम है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम है। देखो ये एक्सीलेटर तो लग चुके हैं दोस्तों और सीढ़ियों पर जो पत्थर लगाने का काम था वो भी लग चुका है दोस्तों। ये कौन-कौन लेवल पर मार्बल का काम था लगने का वो लग चुका है दोस्तों, ठीक है। जाली भी लग चुकी है, बस अभी ये जो बचा हुआ है देखो अभी इसमें ये लिफ्ट लगाने का काम किया जाएगा, अभी बनाया ही जा रहा है, सेटिंग लगी हुई है। और आप सभी को बताऊं दोस्तों ये स्टील का स्ट्रक्चर भी लग गया और उस साइड में देखो वो रेलिंग भी लगा दी है। अभी इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं हुआ दोस्तों, बस खंभे लगे हैं दोस्तों। अभी OHE वायर भी लगाएगी, फिर वायर का भी काम किया जाएगा। तो यह है एक साइड का, तो आपको बताऊँ कि एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है, दूसरी साइड का यहीं बनाया जाएगा इसी जगह पर। देखो ये क्रेन मशीन खड़ी है ना, इसी जगह बनाया जाएगा लंबा वाला लंबा था, क्योंकि इस पर था नहीं है, इधर जगह मिली नहीं है, तो इसी वजह से चलते हैं उस साइड में, दिखाते चल के आप सभी को कि उस साइड में क्या काम चल रहा है। देखो ये सारा ये जो रखा है सारा ही वैसा स्टील का स्ट्रक्चर है जो प्लेटफॉर्म लेवल पे लगाया जाएगा ऊपर टीन सेट के लिए। देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट बन गया है, तो देखो सारा काम कम्प्लीट हो गया, जोड़ भी दिया है उधर की, क्योंकि जगह ही नहीं मिली उधर, तो इस वजह से वो अभी तक बचा हुआ है पेंडिंग में। और इधर भी देखो ये जो फुटओवर है उस पर भी दोस्त उस पर भी काम हो चुका है कंप्लीट। देखो फ्लोर वर्क करने का काम था वो कर लिया जा चुका है। देखो सारे में इलेक्ट्रिसिटी के बस खंभे आप लोगों को चमकेंगे, रेलिंग भी लगा दी है इन्होंने और अब इस पर इलेक्ट्रिसिटी की जो OHE है और वायर यही लगाए जाने हैं। देखो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के, आप लोग देखो ये है दवाई तक रिठानी RRTS के स्टेशन, जिस पर कि मेरठ मेट्रो ही रुका करेगी दोस्तों।
यही काम चल रहा है अभी, ज़्यादा तो काम नहीं चल रहा है। देखो इधर पार्किंग की ये दीवारें भी खड़ी कर दी हैं चारों साइडों में ही, और देखो ये सारा फाउंडेशन बन गया, फाउंडेशन बन गया और बिल्कुल ये तैयार है दोस्तों। क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट। अब इस पर टीन साइड की जो टीन साइड का स्टील का स्ट्रक्चर है वो लगाने का काम किया जाएगा इस पर एंट्री एग्जिट पॉइंट पे दोस्तों, सीढ़ियों पे। और इसको तो जोड़ने का काम कर ही दिया है, बस यही काम है। और आप लोग बताओ आप सभी को वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियो देखो के पिथंत के चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के पिथंत के चैनल पर दोस्तों। के पिथंत लाता रहता है आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं आगे चल के, चलते हैं। इस पर लगाया जाता है ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या खम्बा, इस पर देखो ये है ट्रैक पूरा, इस तरीके से बनाया जाता है ये, और ये यार्ड में बनता है ठीक है, कुछ ऐसा है ये, इधर से चिपका दिया जाता है। देखो इसमें नट वोल्ट लग रहे हैं, देखो वो लगा हुआ है ना वहाँ पे, वो वाला ये ही है, देखो ये ठीक है, देख लो कैसा है। दोस्तों ये आ चुका है रिठानी स्टेशन क्रॉस करने के बाद में, अब आप सभी को देखने के लिए मिलेगा
शताब्दी नगर RRTS का स्टेज है, जिस पे की काम जोरों शोरों से किया जा रहा है दोस्तों। इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लग चुके हैं, OHE वायर का काम किया जाना है दोस्तों, और इस पे ट्रैक भी बिछाया जा रहा है और कौन कौन से लेवल पे काम हो चुका है दोस्तों। अभी मार्बल लगने का काम किया जा रहा है। और एक चीज़ और बताऊं आपको, इस पे प्लेटफॉर्म लेवल पे जो स्क्रीन डोर्स हैं वो भी लगाए जाएंगे। पहले तो इस पे जो आपका रूफटॉप का स्ट्रक्चर है वो लगाने का काम किया जा रहा है, और दोनों साइडों में नीचे ग्राउंड लेवल पे दोस्तों एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। एक साइड तो फ्लोर वर्क हो चुका है कंप्लीट, दूसरी साइड में फ्लोर वर्क अब किया जाएगा। तो यही काम चल रहा है शताब्दी नगर RRTS के स्टेशन पर दोस्तों, देख सकते हो जोरों शोरों से काम चल रहा है। आप सभी को बताऊं क्योंकि ये साल तो ख़त्म होने वाला है। हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे शताब्दी नगर RRTS के स्टेशन को बनाने का काम किया जा रहा है। जो इसके प्लेटफॉर्म लेवल पर दोस्तों तीन सेट का जो स्ट्रक्चर लगाया जाना है दोस्तों स्टील का, वो देखो सारा ये रखा हुआ है, और ये सब ऊपर लगाने का काम किया जाएगा। तो चलो मैं आप लोगों को बाहर से ही दिखा देता हूँ कि किस तरीके से, और ये बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट। देखो तो ये ऐसा एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है जिस पर कि काम चल रहा है अभी इस टाइम पर। तो आपको मैं क्लियर करके ही दिखा देता हूँ। देखो टीम लगी हुई है, काम कर रही है अभी, और स्टील का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से लगाया जा रहा है वो आप लोग देख लो। सारा ही देखो ये स्टील का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जो कि ये स्टेशन के ऊपर लगाया जाना है दोस्तों। देखो सारे में ही पड़ा हुआ है, ये पार्किंग भी काफ़ी लंबी चौड़ी है शताब्दी नगर RRTS के स्टेशन पर। देखो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हो ये देखो, ये लगाए जा रहे हैं। देखो सारे में ही वहाँ तक जाएगा भाई साहब, ये काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेशन है। और जो इसका कौन कौन लेवल है, अभी डेंट पेंट का काम किया जा रहा है, और इस पे स्टेयर और सीढ़ियाँ दोस्तों जो मार्बल लगाने का काम है वो कंप्लीट कर लिया जा चुका है, बट टीन थर्ड का स्ट्रक्चर लगाने का काम चल रहा है अभी जोरों शोरों से। देख सकते हो यहाँ पर ये हैवी हैवी क्रेन मशीनें खड़ी हुई हैं, इसी वजह से खड़ी हुई हैं। और एक साइड दूसरी साइड का तो एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है दोस्तों। तो यही है शताब्दी नगर RRTS के स्टेशन का काम, देख सकते हो आप लोग सारे में ही भाई साहब स्टील का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जो कि टीन सेड के ऊपर, टीन सेड जिस पर डाली जाएगी प्लेटफॉर्म लेवल के ऊपर दोस्तों। और देखो वो वहाँ बनाई जा रही हैं क्या, देखो यही नज़ारे हैं, है अद्भुत दोस्तों। और आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कैपिसंत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखो कैपिसंत के चैनल पर दोस्तों। दोस्तों क्या बाइक का अद्भुत लग रहा है, देखो चारों तरफ से आप लोगों को घुमा के दिखा देता हूँ। देखो ये इधर बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट जो कि अभी आप लोगों ने देखा, देखो ये है सारा नज़ारा यहाँ का, और देखो इधर बनाया जा रहा है ये एंट्री एग्जिट पॉइंट। देखो अभी वो आया हुआ है जिसमें कि साइडों के दीवार बनने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पर। देखो ये बनाया जा रहा है सारे में, ठीक है, इस पर भी सारे में ही काम हो चुका है, सारे में पेंट का जो काम था वो हो चुका है क्लियर। देखो ये काम चल रहा है अभी, पत्थर लगने का काम चल रहा है, और साइडों में जो दीवारें हैं उन पर देखो ये कॉन्क्रीट भरा जा रहा है ट्रकों से, और ये कंप्लीट हो चुका है एंट्री एग्जिट पॉइंट जिस पर कि अभी डेंट पेंट का काम किया जाना है। देखो इधर से और आप लोग देख लो, क्योंकि ये पार्किंग काफ़ी लंबी चौड़ी है तो उसको ही बनाने का काम चल रहा है सारा, जो ड्रेनेज का जो पानी है ऊपर प्लेटफॉर्म लेवल का वो इन इसके अंदर जाया करेगा दोस्तों, ये ज़मीन में सूख जाया करेगा। तो यही काम चल रहा है, देखो अब इस पर फैटरिंग लगा रहे हैं दोस्तों, फ्लोर वर्क किया जाएगा इस पर बॉक बे के ऊपर, फिर उसके बाद में इस पर टीन सेट का स्ट्रक्चर लगाया जाएगा दोस्तों, यही काम चल रहा है। तो अभी काफ़ी टाइम है इसमें करने के लिए दोस्तों, काफ़ी टाइम लगेगा अभी बनने के लिए। देखो चल रहा है नहीं चल रहा सारे में सारा काम, देखो कुछ ऐसा बनाया गया है स्टेशन शताब्दी नगर का दोस्तों, जो कि काम चल रहा है जोरों शोरों से। भाई साहब जूते भी ख़राब हो जाते, देखो ये है जो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया गया, ये सारे में पार्किंग है। देखो ये आ रही है टीम उतर के, देखो वो सरियाओं का जाल बना दिया है, बीम गिर जाएंगे दोस्तों, और देखो सेटिंग लगी हुई, अब इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा, इसको अब
सेकंड बनाया जा रहा है लेवल। देखो वो स्टील के स्ट्रक्चर लगाए जा रहे हैं दोस्तों, तीन साइड डाला जाएगा प्लेटफॉर्म लेवल पर, तो यही काम चल रहा है। देखो काफ़ी लंबा चौड़ा ये स्टेशन है, काफ़ी ही लंबा चौड़ा। ऐसे ही वीडियोज़ देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते हैं दिखाते हैं चल के आगे का सीन आप सभी को।